सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सबसे खूबसूरत ये चीज है कि अल्लाह के रसूल ने सबको माफ किया है और अल्लाह ताला के रसूल ने ये सिखलाया और समझाया। अल्लाह के रसूल से भी और आगे अहले बैत से भी हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह का वाकया इस बारे में सुन पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह के रसूल अपनी जात के हवाले से बदला। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक रिवायत है, फरमाया कि कभी अपनी जात के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला नहीं लेते थे। इसी तरह एक जंग के अंदर हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह एक यहूदी को कत्ल करने लगे और नीचे ले आए और सिर्फ तलवार का वार रह गया था, तो उसने आप रजी अल्लाह ताला पर थूक फेंक, तो आप रजी अल्लाह ताला उठे और आप रजी अल्लाह ताला ने उसको छोड़ी। तो उसने कहा कि पहली बात है कि हम जंग में हैं, फिर हमने कत्ल भी करना है एक दूसरे को, ये तुम कर दोगे ये मैंने करना है। फिर मैंने तुम्हारे साथ एक अमल और किया कि जिससे तुम्हारी जात और भड़क उठती और तुम्हारी जात में गुस्सा आ जाता और तुम उससे ज्यादा जोर से मेरे ऊपर वार करते थे। वो कहने लगे कि पहले मैं जो लड़ रहा था वो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की पैरवी करते हुए लड़ रहा था, अब जो मैं तुम्हारे ऊपर वार करूंगा उस वार करने में एक चीज आ जाएगी कि तुमने मेरे साथ बुरा अमल किया, मैं बदले में तुम्हारे साथ बुरा अमल करूंगा।